आपका दिल आज भी देश के लिए धड़कता है? आज आती है जब हमारे जवानों पे को गोली चलती है, जब हमारे जवानों पे पत्थर फेंका जाता है, जो अपनी मातृभूमि जहाँ पे हम रहते हैं, जो कुर्बानी शहादतों से आजाद हुई है, तो उस धरती को जब आँच आती है तो दिल तो बिल्कुल सर एक चीज और आपसे मैं पूछना चाहती हूँ सर, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी को और 5 साल मिलेंगे, मैं ये नहीं कहता बीजेपी को 5 साल मिलेंगे जी सर, अगर मोदी जी को जो सख्त और कड़वे सच, जिनको ना लोगों की फिक्र है ना बिजनेसमैन की फिक्र है, उनको एक फिक्र है मेरा राष्ट्र मजबूत हो, जो नई जनरेशन आने वाली है उसको लिए एक मैं अच्छा भारत छोड़ के जाऊं। हमारे लिए नहीं, हम तो बिगड़े हुए माहौल के हैं, हम समझौते करने वाले लोग हैं, हम हर बात पे समझौता कर लेते हैं, मातृभूमि चाहे कमजोर हो जाए हम समझौते करने में माहिर हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं कोई समझौता करूंगा नहीं, मातृभूमि पहले, नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, उसके बाद नरेंद्र मोदी या पब्लिक है। राष्ट्र प्रथम रहेगा, राष्ट्र हमेशा अमर रहेगा, तो आने वाली जनरेशन को एक नया भारत जरूर मिलेगा। जी सर सही कह रहे हैं सर, मैं एक लेडीज हूँ तो बहुत आगे आ रही है, पुलिस में आगे आ रही है, राजनीति में आगे आ रही है, लेडीज को बहुत चांस मिल रहा है, पहली बार है कि लेडीज को एक चांस मिल रहा है और लेडीज को आना चाहिए आगे, पर उनके लिए होना एक मकसद चाहिए, प्रथम राष्ट्र, राजनीति नहीं, कोई क्या करता रहे, हमारा मकसद होना चाहिए प्रथम राष्ट्र, हम राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, एक कदम भी चले तो वो राष्ट्र के नाम का हो, हमारे नाम का ना हो, हमारे परिवार के नाम का ना हो, हर एक के नाम का हो, देश मजबूत, बने भारत माता की जय, हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना हुआ तिरंगा झंडा काफी समा आजादी के बाद गुलाम रहे, बोलने की मुकम्मल आजादी नहीं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट हर बात इंग्लिश में, ये पहली बार हुआ है कुछ सालों के अंदर, घर घर में आप वंदे मातरम बोला जा रहा है, बड़े बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज वंदे मातरम भारत माता की जय के नाम से ऊपर तिरंगे झंडे के ऊपर, तो एक हमें नई आजादी मिली है, अगर इसी तरीके से एक नई क्रांति की जो शुरुआत हुई है ये ऐसे चलती रहेगी, जो नई जनरेशन है, नया युग है, नए बच्चे हैं, उनको उनके लिए 5-6 साल के बाद एक नया भारत जरूर मिलने वाला है। मोदी जी को आपने कहा 5 साल मिलने चाहिए, क्यों मिलने चाहिए? मैं बीजेपी को नहीं कहता बीजेपी को मिलने, नरेंद्र मोदी की पॉलिसी, जो नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी टेररिज्म है, नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये नहीं कि उनकी सरकार बने, मैं कहता नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है, जैसे कश्मीर के अंदर हमारे जवानों को रोज शहीद किया जाता था, आज अगर हमारा एक जवान शहीद होता है गोलियां चलाई जाती 100-100 उनका मारते हैं, अगर हमारी एक जवान को शहीद करते तो उसी वक्त उनके 10 जवान मारे जाते हैं, एक चौकी तबाह होती है उनकी 50 चौकियां तबाह, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं इस मातृभूमि की सीमाओं की उसकी आजादी की रक्षा करते हुए, पर उसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा, सबसे पहले हमारी सीमाएं मजबूत होनी चाहिए, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, पहली बार हुआ है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हर कंट्री को पता है जिस दिन भारत की तरफ पूरी निगाह से देखेंगे इसका गोली का जवाब गोली ही मिलेगा, सबसे पहले प्रथम राष्ट्र, फिर कांग्रेस बीजेपी सीपीएम सीपीआई फिर और पॉलिटिकल पार्टियां, राष्ट्र मजबूत रहेगा हम सब मजबूत रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टियां भी मजबूत रहेंगी, पॉलिटिकल